और श्री कृष्ण भगवान एक तरह से इनको धोखा देके यहाँ छोड़ के चले गए थे। मैं कहूँ हम इनका मंदिर बनवा दें या इनकी कोई छत्र बनवा दें तो माँ स्वीकार नहीं करती है दर्शन दे दे। ये सबको खुले में ही दर्शन देना पसंद करती हैं और इनका जो पट है ना वो 24 घंटे खुला रहता है। जो चंद्रवली वाली मैया हैं वह राधा रानी की बहन थी। चंद्रवली मैया पे कोई भी आता है यहाँ पे सारी उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी देख रहे हैं प्रभु भक्ति यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ सूरज ब्रजवासी। साथियों, आज हम आपको लेके आ चुके हैं चंद्रावली वाली मैया के मंदिर में। चंद्रावली मंदिर आप मेरे सामने देख रहे हो और साथियों मैं यहाँ की आपको कहानी और जो कथा बताऊंगा तो आप भी एक बार को सोच में पड़ जाओगे कि हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है, ऐसा अनोखा मंदिर भी मौजूद है। मैं आपको बता दूँ साथियों, जो चंद्रावली वाली मैया हैं वह राधा रानी की बहन थी और इनकी लीला अपने आप में अद्भुत है। ये आप देख रहे हो चंद्रावली वाली मैया का मंदिर है जो कि गोकुल में के पास में पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण भगवान के कहने पर चंद्रावली वाली मैया यहीं पे विराजमान हो गई थी और श्री कृष्ण भगवान एक तरह से इनको धोखा दे के यहाँ छोड़ के चले गए थे। मैं कहूँ तो यहाँ की पूरी कहानी पूरी कथा मैं मंदिर के अंदर चल के आपको बताता हूँ। आइए मंदिर की ओर। साथियों, अभी हम चंद्रावली वाली मैया के मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये मंदिर का परिसर है आप देख रहे होंगे। और साथियों, आपको ये मंदिर कुछ अनोखा दिख रहा होगा। अनोखा इस वजह से मैं आपको बता दूं कि आप सामने मंदिर देख पा रहे होंगे, इसमें ना तो कोई दीवार है ना कोई छत है, बिल्कुल खुला हुआ मंदिर है। आप इधर भी खुला हुआ है, उधर भी चारों तरफ से बिल्कुल खुला हुआ मंदिर है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल खुला हुआ मंदिर है। इसका रीज़न भी है जो मैं आपको बताऊं साथियों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंदिर बिल्कुल खुला हुआ है और यहाँ पे जो हमारी चंद्रावली वाली मैया हैं, माता रानी हैं, ये सबको खुले में ही दर्शन देना पसंद करती हैं और इनका जो पट है ना वो 24 घंटे खुला रहता है, पूरे 24 घंटे खुला रहता है। आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, बस ये चार पिलर खड़े कर दिए गए हैं कवर करने के लिए। यहाँ इस मंदिर में कोई दीवार नहीं है। इसके पीछे क्या लीला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथियों, अभी हम मंदिर के जो सेवायत हैं, अम्मा यही मंदिर को संचालित करते हैं, इनका पूरा परिवार है, तो अम्मा हमें मंदिर के बारे में पूरी जो कथा है वो बताएंगी। अम्मा राधे राधे। राधे राधे जय माता दी। अम्मा, ये चंद्रावली मैया को हमने सुना है कि इनको राधा रानी की बहन भी कहा जाता है, तो इनकी क्या क्या कथा है, पूरी क्या लीला है इनकी? जी, कृष्ण भगवान की प्रिया सखी थी, बचपन में बाल रूप में साथ साथ खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते इधर चले आए कृष्ण भगवान चंद्रावली। अब कृष्ण भगवान बोले के चंद्रावली आप यहाँ बैठना और हम नंद बाबा से मिलके अभी आते हैं। अच्छा, तो भगवान लौट के शाम हो गई तो लौट के आए नहीं, तो इन चंद्रावली माता ने धरती माता से अर्जी लगा ली। अच्छा, कि माँ हमें यही जगह दो, अब हम कहीं जाना लौट के वापस नहीं जाते। मतलब कृष्ण भगवान एक तरह से छोड़ के चले गए थे, धोखे में रख गए थे कि आऊंगा मैं। अच्छा, भूल गए थे। पूजा में लीन है। अच्छा, तो तब से चंद्रावली मैया यही विराजमान हो गई। यही विराजमान है, फिर अलोप हो गई, ये धरती फट गई, वहां में अलोप हो गई। तो फिर इनको जैसे गांव वाले ढूंढते हैं तो ढूंढने लगे, इनने आकाशवाणी कर दी कि हमको कहीं मत ढूंढो, जहाँ भगवान हमको लेके आए इसी जगह हमें और इसी जगह प्रगट है, जब हम ऊपर आएंगे तो हमारी भोर पूजा होगी, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, पर अपना छत्र नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, जब भी खुले में यहाँ पे मैया खुले में रहती हैं तो इनके जैसे सोचते हैं, बहुत से लोग आते हैं कि हम इनका मंदिर बनवा दें या इनकी कोई छत्र बनवा दें तो माँ स्वीकार नहीं करती है दर्शन दे देती। अच्छा, पहले मतलब बनवाने की कोशिश तो की होगी यहाँ पे? पहले की, तीन बार खम्मा हले लगे नहीं गिर गए। अच्छा, मैया भी ये चाहती है कि सब दर्शन करें खुले में। खुले में दर्शन चाहती है। अच्छा अम्मा, हमने एक बात और सुनी है कि यहाँ दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। 24 घंटा रहने खुले।
कभी भी दर्शन करो। रात को 8 बजे आरती कर दे, सुबह कर दे और मैया फिर अपने, तो ये यहाँ पे जो सेल करा दे, यहाँ पे मैया जो अम्मा जहाँ पे जो स्वरूप जो विराजमान है वो वही प्राचीन स्वरूप है जो आज जो विराजमान है। हाँ। मैया का जो विग्रह है यही रूप है, वो प्राचीन वही रूप है। प्राचीन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है अम्मा, राधे राधे, राधे राधे, जय माता की। कहती हूँ जैसा कि अम्मा ने यहाँ की हिस्ट्री बताई कि मैया आज भी खुले में रहना पसंद करती हैं और 24 घंटे दर्शन देती हैं। और आप देख पा रहे होंगे मैया का वही जो स्वरूप के हम दर्शन कराते हैं आपको अंदर चल के। और देखिए मैया का यहाँ पे कई बार मंदिर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मंदिर यहाँ पे पक्का रहता नहीं है, किसी न किसी वर्ष टूट जाता है या कुछ हो जाता है। देखिए तो साथियों देख पा रहे होंगे यहाँ पे मंदिर है, उसकी कोई भी दीवार या छत नहीं है और मैया रानी यहाँ पे खुले में रहना पसंद करती हैं। देखिए यहाँ पे मैया रानी आज भी खुले में दर्शन दे रही हैं सभी को। ये मैया रानी का वही स्वरूप है जो कि मैया रानी यहीं पर समा गई थी और कृष्ण भगवान का आज भी इंतजार कर रही है हमारी चंद्रावली वाली मैया। ये देखिए बहुत ही सुंदर, और साथियों ये हमने आपको चंद्रावली वाली मैया के अंदर से दर्शन करा दिए। और ये मंदिर है यहाँ का, और ये पूरा परिसर आप देख पा रहे होंगे मंदिर का। यहाँ पे आज कुछ भंडारे का आयोजन भी है और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से कुछ दूरी पर राधा रानी जी का जन्म हुआ था उस गांव में, यानी कि रावल गांव भी मौजूद है। हम आपको आने वाली वीडियोस में रावल गांव भी दिखाएंगे, आप बने रहिएगा। प्रभु भक्ति चैनल के माध्यम से ब्रज के कण कण के दर्शन कराएंगे हम आपको। तो ये चंद्रावली मैया का जो यहाँ पे हमने आपको आज दर्शन कराया, और क्या लीला थी, क्या कथा थी चंद्रावली मैया की, वो हमने आपको बता दी है कि कैसे चंद्रावली वाली मैया यहाँ पे आज भी कृष्ण भगवान का इंतजार कर रही हैं। कृष्ण भगवान उनको छोड़ के चले गए थे और आज भी उसी स्वरूप में चंद्रावली मैया यहाँ पे इंतजार कर रही हैं कि कृष्ण भगवान आएंगे। और देखिए चंद्रावली मैया पे कोई भी आता है यहाँ पे सारी उनकी मनोकामना पूरी होती हैं, और ये कृपा है हमारी चंद्रावली वाली मैया की। तो फिर साथियों आज की इस वीडियो में हम आपने आपको चंद्रावली वाली मैया के दर्शन कराए जो श्री कृष्ण भगवान के कहने पे यहीं विराजमान हो गई थी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्रभु भक्ति यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।